रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन है तो याद रखिएगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा जिससे कि कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है उसी के साथ साथ मैं आपको बता दू आपके डी ए बीवी डी और पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी So, आपका जो पार्ट ए होता है उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड और पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए मिनिमम फिफ्टी मार्क्स स्कोर करना होता है सो so, मैं आपको बता दू की आप सिर्फ पार्ट ए आपका जो पेपर ए होता है जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस आप उसे भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे सो so, मैं आपको बता दूं आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है नाइनटीथ अप्रिल ट्वेंटी सो उस डेट पर आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका जो पेपर फर्स्ट uh, पेपर होता है आपका ये रिसर्च मेथेडलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है सो फर्स्ट पेपर में आपको रिसर्च थोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते है. 30 35 जो होते हैं। थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी से पूछे जाते हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे आपके ये मैथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं सो so, याद रखेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है जिसमें हम आपको इन सारे यूनिट्स यूनिट्स पर पर ये दोनों भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स नोट्स देखने मिलेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में है अगर आप उसे एक बार रीड कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाते हैं एंड टेन फुल सिलेबस मॉक्टेस ये मोक्टेस आपको हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने मिलेंगे और आपकी इससे प्रैक्टिस होती है सो so, इस तरीके से आप मॉक्टेस भी सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली उंड प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि वन डे रिवीजन पीडीएफ है आपको एग्जाम से एक दिन पहले सॉल्व कर लेना है तो so, मैं आपको गारंटी देती हूँ हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में 30 टू 40 डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि कई क्यों स्टूडेंट्स का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उन्हें और उनका फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली 30 टू 40 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से एज इट इज क्वेश्चन एज इट इज ऑप्शन पूछे गए थे तो याद रखिएगा हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जब कोई नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारे ऐप के लिंक आपके साथ शेयर कर रखी है जिससे कि आप वन क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को वहां से एक्सेस कर सकते हो सो लेट्स बिगिन वीडियो हमारे इस रिसर्च मेथेडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट टेन फुल सिलेबस मॉकटेस्ट थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो so, हमारा जो ये रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंटेन्ट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसोर्च मेथोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्स मेथडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉकटेस है इसको एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यू पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यू पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे सो so, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रखे आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजीलिय अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद विदीडियो ब्लू प्रिंट ऑफ रिसोर्च वर्क इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ब्लू प्रिंट ऑफ रिसोर्च को हम और क्या कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च को हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है रिसर्च डिजाइन में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपके रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो ओके ब्लू प्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान ओके okay. जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मैथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे ओके सो okay. so, ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं सो so, उसे हम कहते हैं ब्लू और रिसर्च डिजाइन डेट्स वहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिसर्च डिजाइन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश अट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रपोजिशन देंट अमेटिक वे ऑफ फेनोमिना इस क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है एक जो कि एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन और प्रिपोजिशन ये सब मिलाकर किसी फेनोमिना को एक्सप्लेन करता है सो so, उसे हम कहते हैं थ्योरी तो थ्योरी कोई एक फेनोमिना को सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करता है

टिक वे में एक्सप्लेन नहीं करता है इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर ऑप्शन बी हिस्सा एंड कॉन्क्रीट इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है की वो कौन सी रीजनिंग होती है जिसमें आप एक जर्नल थियोरी से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करते हो और उस थ्योरी को प्रूव करते हो सो so, वो रीजनिंग होती है आपकी डिडक्शन तो पर आपको याद रखना है एग्जाम में इस क्वेश्चन पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आते ही है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक दो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो so, पर आपको इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आपके जो रीजनिंग होते हैं रिसर्च में दो टाइप की होती है एक होती है आपकी डिडक्टिव और ने, 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 नेक्स्ट होती है आपकी इंडक्टिव तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है जिसमें आप एक आपके पास एक जनरल थ्योरी पहले से ही अवेलेबल होती है उस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उस थ्योरी को कंफर्म करते हो सो so, ऐसा आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हो तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप कोई भी थ्योरी को प्रूफ करते हो सो so, आपके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव अप्रोच होती है एंड देन इंडक्टिव क्या होती है इंडक्टिव अप्रोच जिसमें आप

थ्योरी से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस पर आते हो और उसके थ्रू आप रिजल्ट को अपने कंफर्म करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन सेंसस किस ऑप्शन का एग्जांपल होगा अब पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए सो पॉपुलेशन सेंसस वो होता है जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डाटा को कलेक्ट करते हो आप अब पॉपुलेशन सेंसेस से अगर आपकी पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है लैक्स में हो करोड़ में हो तो भी आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसे हम कहेंगे census. अब इंडिया में हर दस साल पर होता है जिसके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं सो पॉपुलेशन सेंसेस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे तो सर्वे के थ्रू पॉपुलेशन सेंसेस में रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं अब सर्वे क्या होता है दिस इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जिसमें आप पॉपुलेशन सेंसिस क्या करोगे एक लिस्ट बना लोगे क्वेश्चन की और सर्वेस के थ्रू आप सबको क्वेश्चन प्रोवाइड करोगे पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर को उनका नाम जानोगे उनका जेंडर कलर टेक्सचर रिलीजन सो इसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट फीमेल है कितने परसेंट मेल है कंट्री में कितने परसेंट चाइल्ड है कितने परसेंट ओल्ड एज है सो so, ये सारे चीजें आपको सर्वेस के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्चर को मिल जाती है सो पॉपुलेशन सेंसिस आपको ऑप्शन बी और सी एंड डी गिवन है एम्पायरिकल क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक तो ये तीनों भी आपके टाइप ऑफ रिसर्च है सो रिसर्च क्या होते हैं जिसमें आप आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करते हो तो पॉपुलेशन सेंसिस ये एम्पायरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा देन ऑप्शन सी क्लिनिकल क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है जिसमें आप लोगों के हेल्थ इश्यूज के बारे में स्टडी करते हो अगेन पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक 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 आप किसी को, किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को का कॉज फाइंड आउट करते हो रिसर्च में तो डायग्नोस्टिक रिसर्च अगेन ये पॉपुलेशन सेंसिस का एग्जाम्पल नहीं होगी दैट्स पर, हो so, so, पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो पॉपुलेशन सेंसेस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी आउट करना है कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है सो रिमेम्बर बिब्लियोग्राफी आपके रिसर्च पेपर में अब जब भी रिसर्च पेपर लिखते हो उसके एक्स्ट्रा चैप्टर्स में बिब्लियोग्राफी आता है जिसको आप कहते हो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज एक से ज्यादा रेफरेंसेज होते हैं मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिया है अपने रिसर्च में आप प्रॉपर नेम मेंशन करते हो उस रिसर्चर का उस ऑथर का

सो फुट नोट्स हर एक पेज पर होता है और बिब्लियोग्राफी आपका जो रिसर्च पेपर है उसके एक्स्ट्रा चैप्टर में और सबसे लास्ट में होता है इसलिए पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी क्या होते हैं अब मान लो आपने कोई रिसर्चर है उसके अपने प्रॉपर लाइन कॉपी करिए तो आपको कोटेशन मार्क में उस लाइन को बताना होता है सो यहाँ पर कोटेशन मार्क में कुछ इस तरीके से आपको कोटेशन लगाना होता है सो बिब्लियोग्राफी का मीन्स कोटेशन नहीं होता है दैट्स आपका ऑप्शन बी बी इन हो जाएगा देन ऑप्शन डी बायोग्राफी बायोग्राफी क्या होता है एक कोई फेमस हैलिटी होती है और कोई पर्सन होता है उसकी लाइफ के बारे में आप बताते हैं उसके लाइफ के ऊपर कोई बुक लिखते हैं उससे हम कहते हैं बायोग्राफी सो बिब्लियोग्राफी का मतलब बायोग्राफी नहीं होता है यहां पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ बुक्स रिसर्च पेपर्स एंड एक्सेट्रा नेक्स्ट वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च की जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे रिसर्च की सो रिमेंबर रिसर्च की जो एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सबके जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो main, जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि अगर आप जो रिसर्च कर रहे हो अपने रिसर्च में अगर आपने जो भी मेथड्स यूज करे होंगे जो जिस तरीके से आपने रिसर्च करा होगा जैसे आपने सैंपल सेलेक्ट करा होगा उनसे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको आपके रिजल्ट में एज इट इज मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर आप किसी सैंपल uh, को किसी पर्सन को आप इग्नोर नहीं कर सकते आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है करेक्ट इनकरेक्ट सारी आपको मेंशन करना है यहाँ पर आप अपने जजमेंट ओपिनियन कन्वीनियंस को आगे रखकर आपके रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ओके सो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है जिसमें आप जिस तरीके से भी आप रिसर्च को इनकाउंटर कर रहे हो ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए पर आपको आपके जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे रखकर आपकी रिसर्च परफॉर्म नहीं करना चाहिए देन सिस्टमेटिक क्या होता है आपको आपके रिसर्च में कोई प्रिंसिपल पर्टिकुलर स्टेप्स एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए आप कैसे भी एग्जैक्ट मैनर में आपकी रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हो देन थर्ड इज साइंटिफिक साइंटिफिक क्या होता है कि आपकी जो अगर रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको यूज करना चाहिए research so आपके रिसर्च में सो ये तीन आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च की देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सी एंड डी में गिवेन है जनरलाइजेबिलिटी यूजिबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी So, ये तीनों भी आपके रिसर्च के होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटीटिक एंड साइंटिफिक अब जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है कि आपके जो रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे हो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आप सैंपल्स परफॉर्म करते हो और सैंपल से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइजेबल होना चाहिए पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई uh, होने चाहिए आपके रिजल्ट ऐसे होने चाहिए उसे हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी देन यूजेबिलिटी आपके जो रिसर्च स्टडीज आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यूजेबल होना चाहिए आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए देन रेप्लिकेबिलिटी मतलब जिसको आप फिर से रिपीट कर सको रिप्रोड्यूस कर सको तो ये भी आपके तीनों जनरलाइजेबिलिटी यूजेबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी ये भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लेकिन यहाँ पर हमको पूछा गया एसेंशियल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिविटी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं सो वेरी सिंपल क्वेश्चन फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्च न्यू थियोरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके तो बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर का एम होता है न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करें ताकि उनको हर एक चीज जानने की चाहत होती है उनको क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसी चीजें क्यों हैपन हो रही है फेनोमेना क्यों हैपन हो रहा है सो रिसर्च रिसर्चर बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च में क्यों कुछ न्यू न्यू कॉन्सेप्टीज एंड न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं सो so, याद रखिएगा फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च बिकॉज फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर जिस भी चीज को डेवलप करते हैं जो भी चीज डेवलप करते हैं वो सारी न्यू होती है और जो भी चीज न्यू होती है उसे हम कहते हैं वो प्योर है सो फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज प्योर रिसर्च उसी तरीके से रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च क्या होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को इमिजिएटली सॉल्व करते हैं लेकिन फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम को इमिजिएटली सॉल्व नहीं करते बल्कि न्यू थियोरीज न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं तो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी सर्वे सर्वे क्या होता है सर्वे एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो तो so, सर्वे में अगेन आप कोई न्यू थियोरीज और न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज को डेवलप नहीं करते हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी पायलट स्टडी पायलट स्टडी क्या होती है पायलट स्टडी याद रखिएगा स्मॉल स्केल पर की जाती है ये देखने के लिए कि वो स्टडी जो स्टडी है वो सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं बेसिकली हम किसी भी स्टडी की फिजिबिलिटी देख लेते हैं किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी देखते हैं कि ऐसे चीज पहले हम स्मॉल स्केल पर परफॉर्म करते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो रही है फिर उसको हम लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं सो बेसिकली पायलट स्टडी हम स्मॉल स्केल पर टेस्ट कर कर देखते हैं वो सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही है अगेन पैलेट स्टडी में हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप नहीं करते फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है सो so याद रखिएगा रिसर्च में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम पहले सिलेक्ट करोगे जब आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे क्योंकि रिसर्च किस चीज पर होती है प्रॉब्लम पर ही रिसर्च होती है जैसे किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर, कर रहे हो कोई ड्रग के अगेंस्ट कोई डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हो वैक्सीन डेवलप कर रहे हो कोई सोसाइटी सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सो so, ये सारी प्रॉब्लम पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हो सो so, किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी प्रॉब्लम कर लो कि किस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा ये आपके लेटर स्टेप्स में आता है समराइजिंग डेटा ये भी आपके लेटर स्टेप्स में आता है देन उसके बाद आप डेटा एडिट करते हो जो भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हो सो so, ये तीनों भी आपके लेटर स्टेप्स में आ जाएंगे रिसर्च रिसर्च प्रोसेस प्रोसेस के लेकिन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच फॉलोज लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कैसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है उससे हम उस मेथड को हम क्या कहते हैं so, उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड याद रखिएगा साइंटिफिक मेथड क्या होता है जिसमें आप सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो और जो कि लॉजिक पर बेस्ड होता है ऐसा प्रोसेस जो लॉजिक पर बेस्ड होता है तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक तो जैसे कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में सिस्टमैटिक लॉजिक एंड साइंटिफिक ये सारे आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो so, इन्हीं को आपको देखकर इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है आपको गेस करना है जैसे सिस्टमैटिक लॉजिक और साइंटिफिक ये तीनों भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सो so, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है उससे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा देन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंट मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड ये दोनों भी ऐसे मेथड है जिनके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो ये कोई एक ऐसा मेथड नहीं होता एक सिस्टमेटिक मेथड नहीं होता एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर नहीं होता जिसमें आप लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी डिडक्शन मेथड डिडक्शन मेथड क्या होता है डिडक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है उस थ्योरी का आप यूज कर कर उस थ्योरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर उस थ्योरी पर ऑब्जर्व करते हो उस थ्योरी को एनालिसिस करते आपके हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करोगे एनालिसिस करोगे एंड देन आप रिजल्ट बताओगे आपका कंक्लूजन बताओगे क्या है तो डिडक्शन मेथड ये आपका किसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए यूज करा जाता है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो आपके लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर कर आप कौन सी रिसर्च परफॉर्म करते हो सो रिमेंबर एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्पैरिकल रिसर्च में परफॉर्म करते हो अब एम्पैरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसको जिसमें आप डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो जो नेचुरल फेनोमेना में अकर कर रहा है या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आप एंड देन उसके थ्रू कोई चीजों को ऑब्जर्व करते हो और एम्पैरिकल रिसर्च में आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी रिसर्च करते हो सो so, उसे हम कहेंगे एम्पैरिकल रिसर्च तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन आपको गिवन है laboratory research. Laboratory research क्या होती है लेबोरेटरी लेबोरेटरी रिसर्च रिसर्च होती जो आप लैब्स में परफॉर्म करते हो बट एम्पैरिकल रिसर्च अब जरूरी नहीं कि वो है वो लैब में परफॉर्म करते हो आप लैब के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो बट यहाँ पर लेबोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो सिर्फ आप लैब में परफॉर्म करते हो दैट्स पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कॉज एंड

इलनेस के बारे में स्टडी करती है कि उस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करे उस इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको डिसीज को डायग्नोस करते हैं और उस इलनेस को ट्रीट करते हैं सो क्लिनिकल रिसर्च जनरली आपको ये याद रखना है कि क्लिनिकल रिसर्च जनरली लैब्स में परफॉर्म की जाती है सो क्लिनिकल रिसर्च ओनली लैब्स में परफॉर्म की जाती है इसलिए ये आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा तो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पैरिकल रिसर्च एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर और आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कोई चीजों को ऑब्जर्व करते हो और आप डायरेक्टली उस चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च तो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो